फ्रेंड्स वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन सिखाने वाली हूँ जो बहुत ही सिंपल है बनाने में और देखने में बहुत ही प्रीटी लग रहा है अगर आप छोटी बुनाई में कुछ चाहते हो तो आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए आपने रखने और नंबर में फंदे जैसे तीन पांच सात इस तरह से फंदे रखने हैं मैंने यहाँ पर नाइन स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं चलिए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं ध्यान से देखिएगा पहली रो सीधी तरफ से रो वन राइट साइड से देखिए क्या करेंगे पहला फंदा हमने सीधा उतारा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे ले जाएंगे अब आगे एक फंदा हम बनाएंगे देखिए लेकिन ये जो आपको नीचे होल दिख रहा है यहां पर देखिए जो होल दिख रहा है जो फंदा ऊपर वैसे हम ऐसे बनाते हैं पर इसके नीचे जो होल दिख रहा है वहां पर हमने सिलाई को डालना है और यहां से हम एक लूप निकालेंगे इसको इस तरह से सीधा करके देखिए नीडल के ऊपर डालेंगे और फिर इन दोनों को पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे ये देखिए इस तरह से अब यही दो फंदे एक फंदा छोड़कर शुरू का यही दो फंदे हमने रिपीट करने हैं देखिए एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे धागा पीछे ले जाएंगे अब एक फंदे के नीचे में से बनाएंगे फिर इसको सीधा करके यू सिलाई के ऊपर डालेंगे और फिर दोनों को पीछे की तरफ से एक फंदा बना लेंगे सारी रो आपको यही दो फंदे रिपीट करते जाना है ये देखिए इस तरह से फिर यूं करके इसको सिलाई में डाला फिर दोनों को पीछे की तरफ से एक फंदा बना लिया लास्ट में आपके पास दो फंदे बचेंगे एक आपका उल्टा पड़ेगा और लास्ट का फंदा आपने सीधा बना लेना है अब रो टू पर आ जाइए रॉन्ग साइड से दूसरी रो उल्टी तरफ से तो रो टू और रो फोर रॉन्ग साइड से आपने सारी उल्टी बनानी है इसमें रॉन्ग साइड से सारी रो हमारी उल्टी उल्टी ही बनती है तो ये रो आप उल्टी बना करके कंप्लीट कर लीजिए अब आ जाइए रो थ्री पर राइट साइड से थर्ड रो सीधी तरफ से तो इसमें देखिए पहला फंदा सीधा उतारा आप देखिए जो पहली रो हमने बनाई थी उसमें हमने ए फंदा उल्टा बनाया था इसके ऊपर डिजाइन डाला था पर इस बार हम इस फंदे के ऊपर डिजाइन डालेंगे और इस वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे तो पहले देखिए इसके नीचे में से सिलाई को डाला यहां से हम एक लूप निकालेंगे इसको सीधा करके यूं सिलाई के ऊपर डाला फिर दोनों को पीछे की तरफ से एक फंदा बना लिया फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे अब यही दो फंदे हमने रिपीट करने हैं देखिए सिलाई को नीचे में से डाला यहां से एक लूप निकाला और फिर दोनों फंदों को पीछे की तरफ से एक बना लिया फिर एक फंदा उल्टा तो ये सारी रो आपको इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है ये भी ये देखिए इस तरह से आपको सारी रो इसी तरह से बनानी है ये लास्ट में देखिए सेकंड लास्ट स्टिच में भी हमारे यहां पर डिजाइन आएगा इस तरह से फिर दोनों को पीछे की तरफ से एक फंदा बना लें और लास्ट के फंदे को आपको सीधा बना लेना है अब फोर्थ रो पर आ जाइए तो फोर्थ रो फिर से अगेन देखिए हम उल्टी बनाएंगे सारी रॉन्ग साइड से तो आप देखिए चार रो बनाने के बाद हमारा डिजाइन भी यहां पर ओवर हो जाता है इसमें आपको डिजाइन नहीं दिख रहा होगा अब देखिए जैसे जैसे हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से बनता जाएगा देखिए कितना प्रीटी बन रहा है थोड़ी सी थिक थिकबुल में जब हम इसको बनाते हैं तो बहुत ही प्रीटी ये फिर बन रहा है सो आई होप आपको पसंद आया होगा कैसा लगा प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक और बात जब आप देखिए इस डिजाइन को बनाते हैं तो आपको फंदे थोड़े से कम रखने पड़ेंगे इस डिजाइन में क्योंकि ये सेंटर से फूलता है ये डिजाइन देखिए इस तरह से तो आप इसमें इस आपको ज्यादा फंदे डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप कम फंदों में इस डिजाइन को बना सकते हो दस फंदे आप कम ही रखिएगा जितने भी आप अपने पैटर्न के हिसाब से फंदे डालना चाहते हो उसमें आप दस फंदे कम ही रखिएगा सो so, कैसा लगा प्लीज ये कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय